इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह को उस वक्त गुस्सा आ गया जब धारा 370 पर बोलते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कश्मीर के साथ पीओके को लेकर भी टिप्पणी कर दी। अमित शाह लोकसभा में कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने के संवैधानिक पहलू पर बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सरकार ने जिस तरह धारा 370 को समाप्त और 35A को हटाया है वो संविधान के दायरे में रहकर ही किया गया है। अमित शाह जिस वक्त लोकसभा में अपनी बात रख रहे थे उस दौरान विपक्ष की तरफ से टोकाटाकी चल रही थी। अमित शाह अपनी बात पूरी करने के बाद सीट पर बैठे ही थे कि कांग्रेस के सदन में नेता अधीर रंजन चौधरी ने उनसे पीओके पर कुछ बोलने के लिए कहा, तो अमित शाह ने खड़े होकर कहा कि जब मैं जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं तो पीओके भी इसके अंदर आता है। इसके बाद विपक्ष के एक सदस्य ने कहा कि आप आक्रामक एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, फिर क्या था? गृह मंत्री अमित शाह को गुस्सा आ गया। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को आज।